हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेज सूरतगढ़ से। तो आज अपने जो डिक्टेशन करने जा रहे हैं वो पर मिनट 80 वर्ड होंगे, जो कि 80 की स्पीड से डिक्टेशन होगी। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब 5 सेकेंड में डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। भारत में हर साल हजारों लोग ऐसी बीमारियों में जान गंवाते रहे हैं जिनका इलाज संभव है। उचित चिकित्सा के अभाव में ऐसा होता है। कभी रोगी का अस्पताल तक पहुंचने होना, कभी अस्पताल में उचित चिकित्सीय व्यवस्था का न होना, तो कभी अस्पताल कर्मियों की लापरवाही के कारण मामूली बीमारियों में भी लोग अपना अनमोल जीवन गंवा देते हैं। ऐसे में किसी नई संक्रामक बीमारी के फैलने की सूचना मात्र से ही आम लोगों का डर जाना स्वाभाविक है। ऐसा ही नया डर या कहें नई बीमारी है कोरोना वायरस। पिछले कुछ सप्ताह से चीन में कोरोना वायरस का आतंक फैला है, जो धीरे धीरे अन्य देशों को भी चपेट में ले रहा है। चीन में 300 से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है और करीब 14,000 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। चीन से बाहर भी करीब 130 से ज़्यादा मामले अब तक दर्ज हुए हैं। यह एक ऐसा वायरस है जिसका इलाज तो दूर की बात, मूल स्रोत का भी अभी ठीक से पता नहीं चला है। लक्षणों के आधार पर मान लिया गया है यह ज्ञात किस्मों से अलग सातवीं तरह का कोरोना वायरस है। लोग का केंद्र चीनी शहर वुहान ही है। हालांकि अभी बड़ी आबादी को सीधे सीधे कोई खतरा नहीं है, पर चीन हमारा पड़ोसी है और ग्लोबल विलेज जैसी वर्तमान दुनिया में सब पर सबका असर पड़ता ही है। पिछले 3 दिनों में भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित दूसरे मरीज का पता चलना बताता है कि हम भी महफूज नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिन 20 देशों में कोरोना वायरस के फैलने की ज़्यादा आशंका महसूस की है उनमें भारत भी है। यहाँ की घनी आबादी और पशु मानव संपर्क की संभाव्यता की वजह से ऐसी आशंका जाहिर की गई है। चीन से लौटने वाले लोगों को हालांकि कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार इस बीमारी को अपने देश में फैलने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसका दूसरा पहलू भी है जिस पर गौर किए जाने की ज़रूरत है। कुछ जानकारों का यहाँ तक दावा है कि WHO अंतर्राष्ट्रीय दवा निर्माता
लॉबी के प्रभाव में काम करता है। हर 2-3 साल में किसी नई बीमारी का सामने आना और उसे रोकने के नाम पर दवा निर्माताओं के वारे न्यारे होना नए तरह का शक भी पैदा करता है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू से लेकर सार्स तक कई बीमारियों के फैलने और नियंत्रित होने का इतिहास करीब करीब एक जैसा है। बीमारियों के लक्षण और उन्हें रोकने वाली दवाइयों में भी कोई खास फर्क शायद ही मिले। अब कोरोना वायरस के लक्षण को देखें तो यह सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार वाले ही हैं। हालांकि इस दावे को पूरी तरह सच मानने के लिए पक्का सबूत तो शायद ही मिले, पर ऐसी आशंकाओं का निराकरण भी जरूरी है। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। स्टॉप।